अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। ई रिक्शा वितरण के दौरान जनता को संबोधित करते हुए आजम ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए उनमें सभी गुण हैं। उन्हें मोदी की तरह चाय बनाना आता है, वह सलीके से कपड़े पहनते हैं, ड्रम बजा सकते हैं और प्रधानमंत्री बनने के लिए एक बेहतर उम्मीदवार हैं। इसके अलावा मैं दिखने में भी कुछ खास बुरा नहीं हूं और ना ही भ्रष्ट हूं। आजम ने सवालिया लहजे में यह भी कहा कि कोई मुसलमान क्यों नहीं हो सकता देश का प्रधानमंत्री। हर भारतीय के खाते में 15-15 लाख रुपए जमा कराने के मोदी के चुनावी वादे पर चुटकी लेते हुए आजम ने कहा कि अगर मैं प्रधानमंत्री बन जाता हूं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं 6 महीने के भीतर 130 करोड़ लोगों के बैंक खातों में 20-20 लाख रुपए जमा करा दूंगा। मैं मोदी की तरह नहीं हूं जो वादे पूरे नहीं करते। अगर वाकई पैसे जमा करा दिए होते तो कोई भी आज गरीब नहीं रहता। लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए यहाँ ई रिक्शा लेने नहीं आना पड़ता बल्कि वे करोड़पति बन चुके होते। आजम ने दावा किया कि रिक्शा चलाने वाले को अपनी बेटी की शादी में हमेशा मुश्किल का सामना करना पड़ता है क्योंकि लड़के वाले उसकी सामाजिक हैसियत और काम की वजह से उसके प्रस्ताव को खारिज कर देते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार साइकिल रिक्शा के बदले ई रिक्शा दे रही है ताकि उन्हें अच्छा कमाने और अपना आत्मसम्मान फिर से पाने का मौका मिले। वर्तमान स्थिति पर कटाक्ष करते हुए आजम खान ने कहा कि जब सीमा पर तनाव बढ़ रहा है और हमारे गरीब भूखे हैं, ऐसे समय में मोदी पाकिस्तान को शॉल बेचते हैं और बदले में उनके लिए आम के बक्से आते हैं। इससे राजा भी खुश, पाकिस्तान भी खुश। वह 2017 के उत्तर प्रदेश चुनाव में इसका फायदा उठाएंगे। उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर हर पार्टी अपने बेहतर चुनावी वादे और रणनीतियों को जनता के सामने पेश कर रही है। अब देखना यह है कि जनता किस पर अपना भरोसा जताती है और यूपी की कमान किस पार्टी को सौंपती है। देखते रहिए डीबी लाइव।